हाय एवरीवन, आज है मम्मी पापा की एनिवर्सरी। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी है। जब हम लोग छोटे थे तो हमने कभी सेलिब्रेट की नहीं इन लोगों की एनिवर्सरी। बड़े हुए तो पापा मोस्टली बाहर रहते थे। बाहर इसलिए क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे, अभी कुछ टाइम पहले ही रिटायर हुए हैं। और इस बार दोनों साथ में थे तो हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करते हैं। मेरे मामा लोग भी पास में ही रहते हैं तो ये लोग भी आ गए थे। और फिर हम लोगों ने 12 बजे रात को केक कट किया था, फिर सब ने थोड़ा बहुत ऐसे सेलिब्रेट किया, फिर मामा लोग चले गए थे। केक कट करने के बाद पापा के लिए हम लोग गिफ्ट लेकर के आए थे तो हम लोगों ने पापा को गिफ्ट दिया। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पापा के लिए गिफ्ट मम्मी के लिए नहीं लेकर गए, तो मम्मी ने जो है ना अपना गिफ्ट अपने अकाउंट में ले लिया था। समझ रहे हो ना, मतलब ये सब चल ही रहा था तभी पता चला कि आज मदर्स डे भी है। फिर तो लगा कि मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट तो लाना ही चाहिए था हम लोगों को। लेकिन रात थी, अब कहाँ जाते, क्या लेकर के आते, तो नेक्स्ट डे तो पूरा बचा ही था तो हमने सोचा कि कल गिफ्ट दे देंगे कुछ ना कुछ उनको लेकर के। तो मेरा पहला आईफोन मुझे मेरे पापा ने दिलाया था तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी मेरे पापा का पहला आईफोन मैं दिलाऊं। तो ये मैंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि पापा को आईफोन देना है। तो मम्मी ने बोला कि अभी मत दो, थोड़े टाइम बाद दे देना। मैंने पूछा क्यों, तो मम्मी ने बोला एनिवर्सरी आ रही है। मैंने बोला चलो ठीक है, तब तक वेट कर लेते हैं। गिरने का नाम मत ले। आज गिरा है दिब्बू। ठीक है सर, बाहर नया नया गेम पूछा वाले दिन से भी काम कर रहे हैं। पंकज दीदी, उसका यूज करा। पापा को सिखा दोगे ना कैसे चलाना ये वाला फोन? हिमांशु क्यों, आपको आता नहीं है? ये तो था हम लोगों का गिफ्ट इन लोगों के लिए। फिर मम्मी और भाभी एक दिन मॉल गए थे तो पापा के लिए लोग शर्ट पसंद करके लाए थे, तो मम्मी ने भाभी को बोला कि गिफ्ट दे दो, तो पापा को वो गिफ्ट भी दिया। इस तरह से आज ये मदर्स डे कम फादर्स डे ज्यादा लग रहा था। फिर ये सब होने के बाद सब अपनी अपनी जगह सोने जाने लगे। मैंने भी अपना ड्रेस वगैरह चेंज किया, फिर थोड़ा फ्रेश हुई फेस वॉश वगैरह करके। फेस वॉश के लिए मैं यहाँ वाओ स्किन साइंस का एप्पल साइडर विनेगर फोमिंग फेस वॉश यूज कर रही हूँ। इनमें प्योर सर्टिफाइड एप्पल साइडर विनेगर, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट एंड हाइलुरोनिक एसिड है। ये डर्ट, स्वेट, एक्सेस ऑयल एंड मेकअप वगैरह रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छा है और ये स्किन का पीएच बैलेंस भी रिस्टोर करने में हेल्प करता है। इनमें जो हाइलुरोनिक एसिड है वो स्किन का मॉइस्चर लेवल इम्प्रूव करेगा, वहीं प्रो विटामिन B5 स्किन के लिपिड बैरियर को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा। अगर एक्ने प्रोन स्किन है आपकी तो ये स्किन का रेडनेस सूद करेगा और काम बनाएगा। इसके रेगुलर यूज से आपकी स्किन क्लीन, इवन टोन एंड स्मूथ लगती है। Thank you.
फेस वॉश करने के बाद मैं यहाँ वाव स्किन साइंस का ही एप्पल साइडर विनेगर ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। इनमें ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हिमालयन एप्पल साइडर विनेगर, बीट रूट एक्सट्रैक्ट एंड हाइलुरोनिक एसिड है, जो कि स्किन को हाइड्रेट करने के साथ सॉफ्टन भी करते हैं। ये ऑयल फ्री क्विक एब्जॉर्बिंग मॉइस्चराइजर स्किन को बिना ग्रीसी बनाए हेल्प करेगा स्किन को मॉइस्चराइज करने में एंड स्किन बैरियर में मॉइस्चर मेंटेन करने में। ये ऑयली स्किन को हाइड्रेट करता है, पोर्स को क्लीन, एक्सेस सीबम को कंट्रोल एंड फ्री रेडिकल से होने वाले स्किन डैमेज से भी फाइट करता है। इसे आप डेली यूज करके अपने स्किन को मॉइस्चराइज्ड एंड ऑयल फ्री रख सकते हैं। स्किन टेक्सचर एंड सफलनेस इम्प्रूव करने के साथ ये स्किन को सॉफ्टन करने में भी हेल्प करता है। वैसे तो ये प्रोडक्ट्स Amazon, Nykaa एंड Purple पे भी आपको इजीली मिल जाएंगे, पर इनका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और 20% ऑफ के लिए आप कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलना। जब आप ये प्रोडक्ट्स मंगवाएंगे तो इनके साथ आपको सीड्स भी मिलेंगे, जो कि आप गमलों में या घर के आसपास कहीं भी प्लांट कर सकते हैं। सो इनके ग्रीन हैंड्स इनिशिएटिव एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ बी फॉर नेचुरली। ऐसे हम लोग ज्यादा बाहर खाने वाने नहीं जाते हैं, पर आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी और हम सब लोग साथ में थे, तो सोचा चलो बाहर जाएंगे और वहाँ से खाना खा के आएंगे। और आज मदर्स डे भी था, तो थोड़ा बहुत वो भी सेलिब्रेट कर लेंगे। और हम लोग खाना खाने मॉल में जा रहे थे, तो हमने सोचा कि वहाँ से मम्मी के लिए छोटा मोटा गिफ्ट ले लेंगे, उनको दे देंगे। मम्मी हमें भी निकाला हूँ, शाबाश मम्मी, बंद कर दी मम्मी हम लोगों को। तुम मुंह क्यों बनाई हो बताओ, तुम ऐसे उदास उदास क्यों आ रही थी बताओ। मम्मी पापा गिफ्ट नहीं दिए ना, इसलिए अभी बहुत जोर से हंस रहे। पर हम लोग रेडी होते होते इतना लेट हो गया था कि वहाँ पे सब कुछ ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। तो एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ बोला कि अब नहीं आ सकते हैं। तो उसके जस्ट बगल में एक रेस्टोरेंट था, हम लोग उसमें गए, तो उन्होंने बोला कि अभी आप 30 मिनट बाद आओ। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ मम्मी पापा को बिठाते हैं, 30 मिनट है हम लोग के पास, मॉल में जाएंगे कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। तो 30 मिनट था हम लोगों के पास, हमने सोचा थोड़ा मॉल में घूम के देख लेते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पर वहाँ सब बंद हो चुका था, कुछ भी नहीं खुला था, तो वहाँ पे हमें कुछ भी गिफ्ट नहीं मिला। मैं पूरा मॉल अकेले भी घूमी, फिर भी मुझे कुछ भी नहीं दिखा वहाँ पे खुला। जो भी थोड़े बहुत खुले थे शॉप्स, उनमें कुछ ऐसा था नहीं कि उसमें से गिफ्ट ले ले दे, और बाकी सब तो बंद हो गया था। तो मुझे भी कुछ नहीं मिला, तो मैं भी मुंह बना के इन लोगों के पास वापस आ गई। और लगभग 30-40 मिनट वेट करने के बाद उन लोगों ने बोला कि अब आ सकते हैं रेस्टोरेंट में। तब हम लोग अंदर गए वहाँ पे, फिर हम लोगों ने खाया। पर ये सब तो मेरा भाई वैसे ही बहुत टेस्टी बनाता है, तो कुछ न्यू नहीं लग रहा था, बस हम लोगों ने खा लिया। मेरे छोटे भाई का एक दिन पहले ही एक्सीडेंट हो गया था, तो उसको बहुत ज्यादा पैर में लग गई थी। तो हम लोगों ने बोला कैब से ही तो चलना है, पर वो अच्छे से चल नहीं पा रहा था, तो उसने मना कर दिया आने से हम लोगों के साथ। और उसके लिए घर में ही खाना ऑर्डर कर दिया था, तो उसने वहीं खा लिया और हम लोग यहाँ खाने आ गए थे। सबका खत्म हो गया है और यहाँ स्टार्ट भी नहीं हुआ है। किसका इंतजार कर रही हो तुम? रोटी।
सब्जी का नंबर आ गया। मुझे लग रहा है तुझे सदमा लग गया है। अबे सदमा क्या लग गया? मुझे क्या पता। फिर थोड़ा बहुत ये एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके हम लोग घर वापस आ गए। तो इस तरह से हमने मम्मी पापा की एनिवर्सरी फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट की और हम लोगों ने एंजॉय किया। आप लोगों ने अगर वीडियो एंजॉय किया हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। Bye.